नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा। मंदिर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रखी जा रही है निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, मतदान व मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था कर रहेगा पुख्ता इंतजाम। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर पार्किंग की समस्या पर हुई चर्चा। मरीजों के वाहनों की जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करवाने के दिए गए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के बीडीओ दुर्योधन का किया स्थानांतरण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने गोलघर काली मंदिर से शास्त्री चौक तक चलाया अतिक्रमण रोधी अभियान। जिलाधिकारी ने कहा, 41,500 रुपए का चालान काटकर सामानों को जब्त कर स्टोर में करवाया गया जमा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव को देखते हुए 7 अप्रैल की शाम से 9 अप्रैल मतदान की समाप्ति तक व 12 अप्रैल मतगणना वाले दिन को सभी प्रकार की शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता कर सभी से समर्थन देने का किया अनुरोध। जिला खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन के निर्देश पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 1105 छात्र व छात्राओं में तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क स्मार्टफोन का किया गया वितरण। छात्रों ने प्रदेश सरकार को दिया धन्यवाद। से 20 अप्रैल तक चलने वाले भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत चलाया गया स्वच्छता अभियान। वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों को वितरित किया गया फल। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दी जानकारी। जिला महिला अस्पताल में अब मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए बनाया गया इंद्रधनुषी रंगीन डायरेक्शन, ताकि मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा दर दर। जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश के 720 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन के द्वारा लैब क्रिएटिव के माध्यम से दिया जा रहा है ऑनलाइन प्रशिक्षण। प्रदेश के 70,000 छात्र ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं प्रशिक्षण। जल्द ही जिले के परिषदीय विद्यालय के बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। जिला समन्वयक अधिकारी ने दी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में गोष्ठी का किया गया आयोजन। स्वयं एवं पृथ्वी को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाने का लिया गया संकल्प। जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन योजना के तहत 70 से 75 गांव के लोगों को आपदा मित्र बनाकर किया जा रहा है प्रशिक्षित। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही की अध्यक्षता में डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नौकायन से निकाली साइकिल रैली, दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश। और मौसम ने बदला रुख, तपती धूप और उमस से परेशान हैं लोग। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, आवश्यकता अनुसार ही निकले घरों से बाहर। छाता, टोपी तथा गमछे का करें इस्तेमाल, ताकि बच सके तेज धूप से। अब खबरें विस्तार से।
गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मंदिर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शासन से जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसके लिए लगातार कार्यवाही चल रही है और पूरे जनपद में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है तथा हर पहलुओं पर अधिकारियों के साथ बात करके कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही मंदिर में आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई अराजक तत्व मंदिर में प्रवेश न कर पाए। मंदिर सुरक्षा में लगे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग, सीसीटीवी के माध्यम से हर एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके लिए मंदिर की सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मंदिर के पूरे सिक्योरिटी प्लान को सुदृढ़ करने का जो निर्देश प्राप्त हुआ था शीर्ष स्तर से, उसके लिए लगातार कार्रवाई चल रही है और पूरे जनपद में सिक्योरिटी सिस्टम को पुनः अवलोकित करते हुए उसमें सुदृढ़ बनने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ये सूचना आप दे रहे हैं और हर एक पहलू पे कार्ययोजना बना के कार्य किया जा रहा है और आवागमन के लिए सतर्कता जो बरतनी है, लोगों इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग करनी है, सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से काम किया जा रहा है और हर एक घटक को गहराई में देखते हुए प्लान बना के कार्य किया जा रहा है। सर, दो दिन पहले ज्यादा तादाद में नेपाल के मुस्लिम लोग मदरसे का चंदा गोरखपुर गोलघर में काट रहे थे, मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं मिली थी और उसके बारे में अभी तहकीकात हो रही है, जब इसके जड़ तक जाके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा शनिवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान को संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि चुनाव के लिए सभी मतदान व मतगणना कार्मिकों को दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ बैठक की जा चुकी है तथा वोटर लिस्ट को चस्पा कर दिया गया है। उन्होंने कहा, मतदान व मतगणना वाले स्थान पर केंद्रीय सुरक्षा बल, सिविल पुलिस, बैरिकेटिंग की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती व उड़नदस्ता टीम की तैनाती की गई है और सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, तो सभी चुनाव के लिए सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है दो बार और सभी राजनीतिक दलों के साथ और प्रत्याशियों के साथ बैठकें की गई हैं, उनको स्पष्ट बताया गया है। सभी वोटर लिस्ट को चस्पा कर दिया गया है। जितने भी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं होनी है, जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, सिविल फोर्स की तैनाती, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, वोटिंग कंपार्टमेंट्स में वोटिंग बूथों पे सीसीटीवी कैमरा की डिप्लॉयमेंट, वीडियोग्राफी की डिप्लॉयमेंट ताकि लॉ एंड ऑर्डर की घटनाओं के संबंध में भी वीडियोग्राफी में कैद किया जा सके, सभी मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, उड़न दस्ते की तैनाती भी की गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स भी नामित किए गए, उनका भी प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है, सभी आवश्यक सामग्रियों का भी व्यवस्था कर दी गई है, सारी आयोग के निर्देशों क्रम में सारी तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं और सुचारू रूप से एक अच्छा इलेक्शन कराने के प्रयास है। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर के डॉक्टर के साथ बैठक की गई है। हॉस्पिटल और क्लिनिक के बाहर पार्किंग की समस्या बनी रहती है। हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते हैं वह अपनी गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी कर देते हैं, जिससे पब्लिक के आवागमन में और ट्रैफिक में असुविधा उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि इसी संबंध में डॉक्टरों से मीटिंग कर बताया गया कि मरीजों का वाहन किस तरह से रोड पर खड़ा ना हो पाए और जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करें। बैठक में SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, कर्नल CP सिंह, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही, ADM ई प्रभुनाथ गुप्ता सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, आपके एरिया के नंबर ड्राइव जल्दी प्लान है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा थोड़ा इनके एरिया के नंबर ड्राइव थोड़ा आगे डिले कर दिया जाए, 7-8 दिन बाद कर दिया जाए, ताकि हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन अभी आपके स्तर से आ रहे हैं। तो हमें पेशेंट्स को परेशान नहीं करना है, इसीलिए ओनस आपके ऊपर है, बॉल आपके कोर्ट में है कि आप डिसाइड करिए कि आप किस तरह इसको करेंगे। मेरा बस ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि मेन रोड फ्री रहेगी और कैरी एरियाज में भी जमीन ढूंढ रहे हैं आसपास, जहां पे हम लोग एक
एक इंटीग्रेटेड पार्किंग टैक्स बना सकते हैं। जैसे ही हमको जमीन मिलती है, हमारी बातें चल रही हैं, तो हम लोग इसके लिए भी काम करेंगे, पर इसमें टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है, पता है इसमें 3 महीना 6 महीना कोई भी समय लग सकता है, 15 दिन 1 महीना। तो अभी आपके पास ये है, मैं नहीं चाहता कि कोई पब्लिक न्यूसेंस की नोटिस हमारे यहाँ से या कार्रवाई हमारे स्तर से आपके लिए हो, क्योंकि हम सब मिलकर कोरोना में 2.5 साल साथ में काम किए हैं, आगे भी हमें साथ ही काम करना है, ये मेरी इच्छा है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए पॉज करके आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनकेस आप अभी कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपके कोई अप्रिहेंशन है, कोई डाउट है, कुछ है तो आप बता सकते हैं। आपको देखा हुआ छात्र से डीएम साहब के आदेश पे हम लोगों ने जो खाली किताब तोड़वा दिया है, अब वहाँ बहुत पार्किंग हो गई है, तो दो चीज़ हम लोग की तरफ से अच्छी अच्छी हुई है। और इसको मायने वाले को कर लेंगे, इससे कितना असर पड़ेगा देखा जाएगा, लेकिन जो मैं काम देख रहा हूँ बजट से वन वे करना एक अच्छा प्रयास था, पर इसके पहले हुआ वो बहुत अच्छा था और अब स्कूल चल रहा था देखिए शहर में अतिक्रमण अभियान जो है वो इस माह पूरा प्लान किया गया है। जो प्रमुख चौराहे और जो प्रमुख मार्ग है उनके लिए अतिक्रमण अभियान जो संयुक्त टीम है उसके द्वारा प्लान किया गया है। तो इसी संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो आमतौर पे ठेला और खुमचे के व्यवसायी होते हैं जो वहाँ लगाए रहते हैं, इसके अलावा जो वहाँ के व्यापार मंडल के लोग हैं उनके साथ पूर्व में मीटिंग कर ली गई है और ये अभियान इस समय सुचारू रूप से चल रहा है। तो इसी क्रम में आज यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग की गई है शहर के, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो भी डॉक्टर्स और उनकी क्लिनिक है हॉस्पिटल है उसके बाहर आमतौर पर पार्किंग की समस्या को लेकर लोग बेतरतीब गाड़ी पार्क करते हैं, जिससे पार्किंग और लोग रोड पर वहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं जिससे आमतौर पर समस्याएँ होती हैं और पब्लिक के आवागमन में और ट्रैफिक मूवमेंट में समस्याएँ आती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से मीटिंग की गई, उनको बताया गया कि क्या क्या किस तरह से अपनी पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करें और किसी भी तरह से किसी की भी पार्किंग जो है या कोई वाहन जो उनको दिखाने वाले मरीज हैं उनका वाहन जो है किसी भी तरह से रोड पर ना आए, इस समय उनको पूरी तरह ब्रीफ किया गया। इसमें IMA के लोग भी थे और साथ साथ जो भी यहाँ पे मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं और जो और भी यहाँ पे दवा विक्रेता संघ के लोग थे वो भी यहाँ पे सब उपलब्ध थे, उपस्थित थे। तो सभी इसमें अपनी सहमति दिए हैं, उनके द्वारा 3-4 दिन का समय लिया गया है कि उससे इन समय में अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे और पार्किंग कोई ना कोई व्यवस्था अपने हॉस्पिटल के अंदर देने की कोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से उनके कारण शहर में जाम नहीं लगेगा। तो इस संबंध में बैठक की गई है और बड़ी ही सार्थक चर्चा हुई है सबके साथ और उम्मीद है कि जो बेतिया था और जो अन्य क्षेत्र जहाँ पे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के कारण जाम लगता है प्रमुखता, उससे जाम संजात लाई जाएगी। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के BDO दुर्योधन को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण स्थानांतरण किया, जिसके संबंध में जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि हर एक ब्लॉक में विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है, जो शासन के द्वारा बड़ी धनराशि गांव ब्लॉक में विकास कार्यों के लिए की गई है। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन सहित सभी योजनाओं के बारे में समीक्षा की जा रही है, जिसको देखते हुए जहाँ कहीं भी कार्यों में लापरवाही पाई जा रही है वहाँ अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है, जिसको देखते हुए BDO सहजनवा को सहजनवा ब्लॉक से स्थानांतरण किया गया, क्योंकि BDO सहजनवा के कार्यों में लापरवाही व व्यक्तिगत प्रयास में कमी पाई गई। वहां पर उर्वा के BDO सुरेश कुमार को भेजा गया है जो कि अच्छा कार्य करेंगे। उन्होंने कहा आगे भी इस तरह की कार्यवाही चलती रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हम लोग हर एक ब्लॉक में
विकास कार्यों की समीक्षा ले रहे हैं। जो बड़ी धनराशि ग्राम पंचायतों में ब्लॉकों में प्रतिनिधान हो रही है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत में योजनाओं के हो, मनरेगा हो, मनरेगा हो या 15वें वित्त आयोग, 5वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में समीक्षा ले रहे हैं। जहाँ भी कार्यों में शिथिलता मिल रही है, के नेतृत्व की कमी मिल रही है, वहाँ अधिकारी और कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में BDO शजनवा को वहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया है, क्योंकि उनके वहाँ उस ब्लॉक का परफॉर्मेंस और उनके व्यक्तिगत प्रयास में कमी पाई गई और एक दक्ष BDO को वहाँ भेजा गया है ताकि वहाँ उस ब्लॉक में भी अच्छी व्यवस्थाएँ हों। हाँ, निरंतर जहाँ भी उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ किया जाएगा। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने गोलघर काली मंदिर से शास्त्री चौक तक सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर के माध्यम से खाली करवाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि महानगर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शासन के निर्देश पर सड़क पर किनारे किए गए अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है, जिससे कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके, जिसके लिए व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक की गई है, जिस पर सभी व्यापारी बंधुओं ने अपनी सहमति जताई है और लोग अपनी स्वेच्छा से सड़क पर हुए अतिक्रमण को खाली कर रहे हैं, जिसके लिए प्रतिदिन अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ चालान भी किया गया। गुरुवार को चालान काटकर 41,500 रुपए का जुर्माना राशि वसूला गया और अतिक्रमण अभियान के दौरान एक लोहे का मेज, एक लकड़ी का डब्बा, एक लोहे का डब्बा जो नीचे ओपन है उसको जब्त किया गया और स्टोर में जमा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज के लिए क्यों दंड है? आज का दंड है ये नाला नहीं है, ये नाला नहीं है, ये नाला नहीं है सर, क्या है नाला नहीं क्या है? उसी के क्रम में यहाँ पे जंक्शंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, स्मार्ट जंक्शंस को विकसित करने के लिए कार्य योजना शासन को प्रेषित की गई थी, जो अभी स्वीकृति के कगार में है और वो स्वीकृति प्राप्त होते ही हम उस पर काम करेंगे। अभी एक बड़ा अभियान हमारे जनपद में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके उनके सुझावों को समाहित करते हुए किया गया, व्यापार बंधु, विक्रेताओं, सभी से वार्ता करके किया गया, जिसमें प्रत्येक दिन काम हो रहा है, आप उसको देख भी रहे हैं, जिसमें सभी सड़कों के कैरेज वे को फ्री कराना, वहाँ पथ विक्रेताओं के लिए निर्धारित स्थान पर उनको विस्थापित करना और उनको व्यवस्थाएं देना, वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए सुगम व्यवस्था हो, क्योंकि पेडेस्ट्रियन बहुत बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनके लिए पेडेस्ट्रियन पाथवे बनाना, वहाँ ग्रीन बेल्ट विकसित करना, आपने देखे लाइट्स लगाई गई हैं वहाँ पे, डिवाइडर्स को रीडिज़ाइन किया गया, जंक्शंस को रीडिज़ाइन किया गया, ये सब कार्रवाई चलें ताकि एक सुगम व्यवस्था हमारे यातायात के लिए हो जाए और सभी को एक अच्छा सुंदर स्वच्छ और यातायात से सुगम शहर मिल जाए। सर, प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन देखने को ये मिलता है
कि अक्सर आप अतिक्रमण हटाते हैं, दो दिन तीन दिन बाद कैसे होगा? इसमें इस अभियान में एक मुख्य बिंदु ये भी है कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए, उसमें अतिक्रमण हटाया जाए, और इसके लिए सभी का सहयोग हमें प्राप्त भी हो रहा है, और जहाँ जहाँ इसको सूचीबद्ध किया जा रहा है उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित भी किया जा रहा है, उन लोगों को पाबंद और निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी उनके खिलाफ किया जा रहा है, और थानों सभी SOs को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि अगर वापस अतिक्रमण हो गया तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, इसी से वहाँ अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव को देखते हुए जिले में 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के मतदान समाप्ति व 12 अप्रैल को मतगणना वाले दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार व चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार MLC चुनाव के मतदान व मतगणना वाले दिन शराबबंदी का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसको देखते हुए जिले में मतदान व मतगणना वाले दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जिससे कि कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन के निर्देशों के क्रम में और माननीय आयोग के निर्देशानुसार शराबबंदी का निर्देश प्राप्त हुआ था, और उसी के क्रम में चुनाव के दिन और मतगणना के दिन दोनों दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी, ताकि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था और आचार संहिता के पालन का 100% पालन हो और कानून व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप ना हो। गुरुवार को शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर प्रेस क्लब पर विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश यादव के समर्थन में प्रेस वार्ता कर सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि जाति धर्म व संप्रदाय से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दें और भारी मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं और एक मजबूत व सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने कहा, ये जो लोकल वाड़ी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई रजनीश यादव लड़ रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में दावा भी किए हैं, और आज आपके सामने जो निकाटी हो रहे हैं, क्योंकि आज जो सारी चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाएगी, इस नाते आज उसको हम लोग करके आते हैं। हमारे जो स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े जागरूक लोग होते हैं, जो दबाव में नहीं बल्कि अपने मन बना कर देते हैं। जैसे हम स्थानीय निकाय का जो निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन का आज अंतिम दिन है, इस नाते आज हम कह रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधिगण जो कार्यकर्तागण हैं, ये गोरखपुर से लेकर के महाराजगंज तक राजनगंज तक स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को संपर्क कर रहे हैं और उनसे वोट के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता भाई रजनीश यादव खड़े हैं, ये काम कार्यकर्ता होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको भेजा है, और हम लोग सभी लोग मिल करके एक एक लोग इनके जीत के लिए आसान थे। ये देखिएगा तो देखिए तो एजेंसी पेश कर रहे हैं, आप 10-15 दिन से देख रहे हैं, पंचायत पंचायतों की क्रिया चल ही रही है, हर ब्लॉक में हर क्षेत्र में जा जा करके हमारे कार्यकर्ता इसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि भाई रजनीश यादव भारी मतों से विजयी बनेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि हमारे जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं वो खुद में जागरूक हैं और सशक्त हैं, इसमें सत्ता पक्ष गैर पक्ष की कोई बात नहीं। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिला खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान जिला अधिकारी ने खेल अधिकारी से जानकारी ली कि स्टेडियम में खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्टेडियम में क्या क्या व्यवस्था है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम में खिलाड़ियों को ट्रेंड करने के लिए कोच नहीं है, जो कोच थे उनका समय मार्च में समाप्त हो गया, जिस पर जिलाधिकारी ने स्टेडियम में 4 कोच देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को
निर्देशित किया कि एक कमेटी बनाकर ऐसे खिलाड़ियों को ट्रेन करें जिसकी रुचि केवल खेल में हो, उसका हर 15 दिन पर बैठक करके उन्नति के बारे में समीक्षा करें, क्योंकि अब बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब ज्यादा छात्र स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए छात्रों को अच्छा प्रशिक्षण दें जिससे कि वह खेल में अच्छा प्रदर्शन करके जिले व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इस अवसर पर SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वो आप कम्युनिकेट करेंगे अंश कालिक हमारे कोचेज रखे जाते हैं, क्योंकि जब स्टेडियम होता है तो उसमें बिना कोचेज के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक तो हमारे निदेशालय स्तर से हमको कोचेज उपलब्ध कराए जाते हैं, अपने भेजते हैं, उसके अनुसार वो हमको कोचेज दे देते हैं। पिछले साल हमको 4 कोचेज मिले थे सर, और बाकी कोचेज सर आपने हमको दिए थे, 9 कोचेज आपने दिए थे स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी से, इसलिए हमारे सभी खेलों में कोचेज पूरे तक कैंप चलाए गए। अब सर इनको फिर आगे पढ़ाए जाने के लिए जरूरत है, क्योंकि 1 महीने का हमने ब्रेक दिया था, क्योंकि परीक्षा का समय होता है, उसमें बच्चे आते नहीं है इसके लिए। अब फिर बच्चे आने लगे हैं, तो इस महीने से हम फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें जिन खेलों में हमारे कोचेज रहे हैं उन खेलों में हमको फिर से कोचेज प्रमोशन कमेटी के माध्यम, वो तो होना ही है सर। सभी को किसी को आपत्ति उसमें नहीं होगी, कोई आपत्ति तो बता सकते, लेकिन ये रहा जैसे बहुत सारे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा, तो उनके बारे में हमने उनको कह दिया है, चेतावनी भी दे दी है कि भाई अगर नहीं आएगा तो कंटिन्यू करेंगे। रिन्यू करेंगे सर। मेरा तो ये जैसे आप समिति निर्णय ले, लेकिन मैं सर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से, क्योंकि हो सकता है उनको अच्छे कोचेज और मिल जाएँ, काफ़ी मिल जाएँ, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो NIS की है, जो NIS स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1 साल का रेगुलर कोचिंग कोर्स करके आते हैं, वो लोग अच्छा कोचिंग करते हैं और उनको इसमें एक कमेटी बना सर जो दक्षता प्रमाणीकरण और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेगा सर। किसी को फ्री राइड नहीं दे सकते, राइट सर। तो सदस्य सचिव आप रहेंगे, अध्यक्षता CDO साहब करेंगे, और सभी जो खेल मेधावी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ कमेटी में, उनको उस कमेटी में रखेंगे। 4-5 लोगों की कमेटी होगी, खेल विशेषज्ञ हो, तो जो पिछले साल ठीक ठाक परफॉर्मेंस है वो कर लेंगे। और वित्त पोषण पैसा है ना, पैसा इस समय 14,08,000 रुपये हमारे से कराते रहिए, पैसा आता रहे, राइट सर। थैंक यू सर, वो तो करा हो गया है। पिछली जो सर 27 वहाँ पे कौन से खेल का बैच चल रहा है, मतलब शुरू होगा? हमारे यहाँ सर एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के इक्विपमेंट है सर, टोटल इक्विपमेंट हमने जब आए थे सब मंगा लिए थे सर आपके आते ही, इक्विपमेंट और कोच दोनों है। कितने बच्चों को एथलेटिक्स का ट्रेनिंग हो रही है सर? कम से कम भी 50-60 बच्चे हैं। 50-60 बैच, सबके सिलेक्शन कैसे हो रहा है? सिलेक्शन की प्रक्रिया एडमिशन लेते हैं सर, उनको मेरिट क्या था? यस, उनको टेस्ट ट्रायल लेते हैं। मुझे वो लड़के चाहिए जो यहाँ पे रियली टैलेंटेड हैं और वो सीरियस हैं इस बिजनेस सर। ये नहीं होना चाहिए कि टाइम पास के लिए, सर्टिफिकेट के लिए कोई आगे नहीं। तो जो बेस्ट लड़के हैं जिनको इंटरेस्ट है, उसका जो एंट्रेंस कराना है सर, फिजिकल टेस्ट कराना है, ये कमेटी जो हम लोग, ये कमेटी, लेकिन मैं तो 1 महीने में 2 महीने में 1 बार बैठ सकता हूँ सर, रोज थोड़ी बैठ सकता हूँ। तो ये कमेटी रेगुलरली बैठे, हर 15 दिन में 1 बार बैठे और रेगुलरली इसको रिव्यू करें कि क्या हो रहा है। जैसे एथलेटिक्स है तो उसमें पता है बच्चों का कैसे चल रहा है, वही मौके पर वही लीजिए मीटिंग, ठीक सर लीजिए, ठीक है। SDM और जॉइंट मिनिस्टर को लगा दीजिए, ठीक है, इनको जोड़िए, इनके जुड़ने से बाकी चीज़ें आपको जुड़ जाएंगे सर। एथलेटिक्स हो गया, फिर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में कोच ठीक है? हाँ, बच्चे कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? बहुत आते हैं मेरे ख्याल से, सब में बच्चे जो संख्या है हमारे पास, सब में निर्धारित संख्या 40 है, उसको 1,000 भाई बॉल लगवा दीजिए, बॉल लगे हैं सब, सब कुछ बॉल बने हैं। वो वॉलीबॉल तो होना ही जी होता है, वो होता है, बस बॉल की रिक्वायरमेंट थी, वो आप लीजिए, ठीक है जी सर। और जो वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बॉक्सिंग हो गया, और बास्केटबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हाँ, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन, और बैडमिंटन का
कैचअप हो गया पूरा, तो की मॉनिटरिंग करिएगा या किसी ने करना बताइए। राइट सर, मैं आपसे वो तो सारा चीज ऑप्टिकल हो गई ना, सब हो गया क्रिकेट पिच का। वी आर वेरी थैंकफुल सर, आप सभी लोग शुक्रिया करते हैं। अरे क्रिकेट क्रिकेट होता है, क्रिकेट का जो स्वीकृति हुई थी उसका क्या हो रहा है, निर्माण जो हो रहा था वो अभी नहीं हुआ सर, उसके लिए मैं लेटर लिखवाऊंगा। और मैंने लेटर क्यों दिया था, एक्शन आर एस क्यों नहीं कर रहा था दिया नहीं सर, मैंने दो दिन बाद उसको लेटर भी लिखा। लेटर नहीं होता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा। मंदिर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रखी जा रही है निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा मतदान व मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर पार्किंग की समस्या पर हुई चर्चा। मरीजों के वाहनों की जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करवाने के दिए गए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के बीडीओ दुर्योधन का किया स्थानांतरण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने गोलघर काली मंदिर से शास्त्री चौक तक चलाया अतिक्रमण रोधी अभियान। जिलाधिकारी ने कहा 41,500 रुपए का चालान काटकर सामानों को जब्त कर स्टोर में करवाया गया जमा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव को देखते हुए 7 अप्रैल की शाम से 9 अप्रैल मतदान की समाप्ति तक व 12 अप्रैल मतगणना वाले दिन को सभी प्रकार की शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता कर सभी से समर्थन देने का किया अनुरोध। जिला खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन के निर्देश पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 1105 छात्र व छात्राओं में तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निशुल्क स्मार्टफोन का किया गया वितरण। छात्रों ने प्रदेश सरकार को दिया धन्यवाद। से 20 अप्रैल तक चलने वाले भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत चलाया गया स्वच्छता अभियान। वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों को वितरित किया गया फल। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दी जानकारी। जिला महिला अस्पताल में अब मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए बनाया गया इंद्रधनुषी रंगीन डायरेक्शन, ताकि मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा दर दर। जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश के 720 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन के द्वारा लैब क्रिएटिव के माध्यम से दिया जा रहा है ऑनलाइन प्रशिक्षण। प्रदेश के 70,000 छात्र ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं प्रशिक्षण। जल्द ही जिले के परिषदीय विद्यालय के बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। जिला समन्वयक अधिकारी ने दी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में गोष्ठी का किया गया आयोजन। स्वयं एवं पृथ्वी को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाने का लिया गया संकल्प। जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन योजना के तहत 70 से 75 गांव के लोगों को आपदा मित्र बनाकर किया जा रहा है प्रशिक्षित। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही की अध्यक्षता में डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नौकायन से निकाली साइकिल रैली, दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश।
मौसम ने बदला रुख, तपती धूप और उमस से परेशान हैं लोग। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, आवश्यकता अनुसार ही निकले घरों से बाहर, छाता टोपी तथा गमछे का करें इस्तेमाल ताकि बच सके तेज धूप से। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार की तरफ से दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए छात्रों को निशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि गुरुवार को ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष के 1105 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, जिसमें बीकॉम, बीएससी, बीए और बीएड के विद्यार्थी शामिल हैं। ऐसे कॉलेज के 1105 विद्यार्थियों को उनके सशक्तिकरण के लिए व उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा, हम विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे कि जो सरकार ने आपको स्मार्टफोन दिया है उसका सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन में अंकों में वृद्धि व सूचनाओं को समय से प्राप्त करके जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। वही स्मार्टफोन मिलने पर छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि स्मार्टफोन मिलने से पढ़ाई में आसानी होगी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में सहयोग प्राप्त होगा। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह सहित महाविद्यालय की छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्मार्टफोन पाने वाली छात्राओं और प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा, और आप सब लोग का मैं अपने
लेकिन शिक्षा का जो स्वरूप है बराबर तेजी से बढ़ता है। ट्रेडिशनल शिक्षा का महत्व है, हम ये नहीं कह सकते हैं ट्रेडिशनल शिक्षा का महत्व नहीं है, ग्रासरूट शिक्षा का अपनी जगह पर महत्व है रहेगा, क्योंकि उनके शिक्षक से और छात्र से सीधे संपर्क बनता है और ये सीधे संपर्क बनना किसी छात्र या छात्रा के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका महत्व है। इसी प्रकार का मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनी तेजी के साथ डेवलप कर रही है, विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है, तो हम बहुत लोगों को वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निक हैं उनसे भी उसको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जानकारी उनसे उन्हें अवगत होना चाहिए और इसके लिए स्मार्टफोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। मुझे ये फोन पाके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और सर पूरा आगे इसके रिकॉर्ड कैसा लग रहा, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को कहना मतलब अपने योगी आदित्यनाथ रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर मैं बोलना चाहूँगी कि ये स्टूडेंट्स के सारे मतलब सोशल मीडिया से जुड़ने का एक ऐसा पहल बहुत ही सक्सेसफुल पहल है जिसके द्वारा जिन बच्चों को आर्थिक मतलब आर्थिक तंगी आर्थिक रूप से मजबूर होंगे जो मोबाइल फ़ोन की वजह से अपने कुछ वर्क्स नहीं कर पाते हैं वो कर सकेंगे और अपना सोशल मीडिया के सारे वर्क्स करके अपना मतलब किसी भी चीज़ में योगदान दे सकेंगे। प्रियंका मिश्रा, मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और इस फ़ोन का मैं क्योंकि आने वाले समय में मैं एक टीचर बनने जा रही हूँ बीएड सेकंड ईयर और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमको हमारे प्रोफेशन के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि हम लोग को लैपटॉप मिलना चाहिए था टीचिंग प्रोफेशन के लिए, तो आगे से मैं सरकार को यही मैसेज दूंगी कि टीचर्स के लिए तो लैपटॉप या टैबलेट ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना काल में देखे कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा एक गैप एक वैकम क्रिएट हो गया था, उसको फ़ोन ने और टैबलेट ने ही भरा, उसकी वजह से हम कनेक्ट हो पाए डायरेक्टली अपने टीचर्स को और हम लोग क्लासरूम जैसा एटमॉस्फियर फील किया हम लोगों ने, हम सारे लेक्चर सुन पाते थे अपने टीचर से डिस्कस कर पाते थे, तो ये फ़ोन बहुत ज़रूरी है और टीचिंग लाइन के लिए तो बहुत ही मस्ट है ये। आज 1105 ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष के विद्यार्थी जिसमें बीकॉम बीएससी बीए और बीएड के विद्यार्थी हैं, ऐसे 1105 विद्यार्थियों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके सशक्तिकरण के लिए उनके में स्किल डेवलपमेंट के लिए और सूचना के संवहन के लिए उनको दक्ष बनाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम में उनको वितरित किया जाएगा। देखिए विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है, ये उसके अनुपयोग पे निर्भर करता है। हम विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे कि जो सरकार ने आपको ये डिवाइस दिया है इस डिवाइस का आप सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन में आप अंकों में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, सूचनाओं से आप लैस होंगे और जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा है कि नई पीढ़ी में ज्ञान टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उनके अंदर समावेश होना चाहिए नई पीढ़ी के अंतर्गत,
इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। स्मार्टफोन और लैपटॉप के वितरण का कार्यक्रम, मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम का समुचित उपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। और जब मैंने कहा कि शिक्षा के 5 आयाम होते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल यानी कौशल, विजन यानी दृष्टि, आइडेंटिटी यानी पहचान, समाज को पहचानने की शक्ति, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संतुलन, समाज में संतुलन स्थापित करना। तो हमारे जो इस विद्यालय में जो अंतिम वर्ष के इसी वर्ष के जो छात्र हैं, जिनके लिए यह कार्यक्रम आज अभी इसमें आयोजित किया गया है, वो मेरे पौत्र और पौत्रियों के समान हैं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि स्मार्टफोन के माध्यम से वे अपने विकास का विकास करेंगे, अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करेंगे, मन में अच्छे संस्कारों का विकास करेंगे और समाज के प्रति सेवा और समरसता का भाव पैदा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी को, रोजगारी जी को, पूरे महाविद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सेवा का कार्य करेगी तथा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सेवा के भाव को लेकर राजनीति में आए हैं और हम सभी राजनीति को सेवा के लिए करते हैं ताकि समाज का उत्थान किया जा सके। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर उपाध्यक्ष रणविजय शाही, रमेश प्रताप गुप्ता, अवधेश अग्रहरी, शिवम पांडे, गौरव तिवारी, सिद्धांतो घोष सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पूरे 15 दिन सेवा के कार्य करने वाली है। उसी के निमित्त कल हम सभी 6 तारीख को पार्टी स्थापना दिवस मनाए और आज 7 तारीख को जिला महिला अस्पताल पे स्वच्छता अभियान किया गया और मरीजों में फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी तरह प्रत्येक दिन 8 तारीख 9 तारीख अलग अलग प्रकार के हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे जो 20 तारीख तक चलेंगे। बाकी क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को? ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सेवा के भाव को लेकर राजनीति में आए हैं और हम सभी राजनीति को सेवा के लिए करते हैं ताकि समाज का की सेवा किया जा सके, समाज का उत्थान किया जा सके और सरकार की जो योजनाएं हैं नीचे ज़मीन पर आम नागरिकों तक उसको पहुंचाने में एक सहयोगी की भूमिका में हम सभी नज़र आने वाले हैं।
जिला महिला अस्पताल में पहुंचते ही अब किसी को इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिला महिला अस्पताल में अब मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए इंद्रधनुषी रंगीन डायरेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें इलाज और जांच में सहूलियत मिलेगी, जिसके संबंध में जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक एनके श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों की समस्याओं को देखते हुए महिला अस्पताल में रंगीन पट्टिका बनवाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अब मरीजों को इलाज और विभिन्न प्रकार की जाँच के लिए वार्डों तक जाने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि अब मरीजों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इंद्रधनुषी रंगीन पट्टी का मरीजों व तीमारदारों को संबंधित इलाज के कक्ष में पहुंचने में कारगर साबित होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक एन के श्रीवास्तव ने कहा, पैथोलॉजी जाने का रास्ता चलता था, मतलब इसी पट्टी को पहाड़ते हुए चला जाएगा तो सीधे उस वार्ड में चला जाएगा, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे मरीज को पहुँच सकता सर। ये कलर कोडिंग है, लाइनें जो बनाई गई हैं ये डिफरेंट कलर्स की हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को दर्शाती हैं। बहुत से मरीजों को ये नहीं मालूम है, किसी को आउटडोर में जाना है मरीज दिखाना है, किसी को पैथोलॉजी में जांच के लिए जाना है, किसी का पेशेंट हमारे लेबर रूम में भर्ती है या ऑपरेशन थिएटर में पहुँचना है, तो उसमें एक पर्टिकुलर कलर दे दिया गया और उस पर तीर के निशान लगा दिए गए कि ये कलर उस एरिया को दर्शाता है, तो इसमें किसी व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा। उसने जैसे आउटडोर में मरीज दिखाने जाना है या दवा वितरण काउंटर पे जाना है या पैथोलॉजी में जांच हेतु जाना है, तो उसके सहारे वो पट्टी को देखते हुए
वो वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगी, उस पर निशान बने हुए तीर के, और वहाँ पे पहुँच के वो पर्टिकुलर जगह पे वो बगैर भटके हुए पहुँच जाएगी। तो उसे भटकना नहीं पड़ेगा कि लाइव में जांच कराने जाना है कि अल्ट्रासाउंड कराने जाना है, तो इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। सर कौन से कलर पे कौन से विभाग? इसमें तो कई विभाग हैं, और इस समय तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर किसको दिया गया है, हर कलर के ऊपर किस जगह जा रही है वो, ये उस पर लिखा हुआ है। सर कितने मरीज आ जाते हैं? हमारे यहाँ ये 400 प्लस में रहते हैं 24 घंटे में, 350-400 के आसपास OPD हो जाती है, और 50 के आसपास हमारी इमरजेंसी में आ जाते हैं 2 बजे के बाद। धूप हो रही है, बाकी क्या कहना चाहेंगे बात जी? मौसम को देखते हुए इतनी धूप हो रही, क्या कहना चाहेंगे? धूप तो नेचुरली गर्मी पड़ रही है, उसके लिए भी हम लोगों ने अपने यहाँ प्रॉपर पानी पीने के इंतजाम आरो हमारे सभी कार्यरत हैं, और हम तो धूप में बचाव के लिए कहेंगे कि सीधे धूप से अपने आप को लोग बचाएं। प्रदेश के 720 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को IIT गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन के द्वारा लैब क्रिएटिव के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके संबंध में IIT गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन ने बताया कि वहां पर एक लैब क्रिएटिव लर्निंग चलाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि आजकल के पाठ्यक्रम जो काम हाथों से नहीं होता और रट के एग्जाम पास कर लेते हैं, इसलिए हम लोगों के द्वारा छात्रों के लिए ऐसा खिलौना बनाया जा रहा है से ज्यादा खर्चा नहीं लगता, उनको समझकर बनाकर बच्चों को खुशी मिलती है, ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाई में भी शामिल हो, इसलिए हमारा प्रयास है कि यह कार्य अध्यापक के साथ मिलकर जब बच्चे खुद करेंगे तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य सफल होगा। जिसको देखते हुए यूपी के 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में यह प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें विद्यालय की 70,000 बच्चियां ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि यूपी के सभी स्कूल में यह प्रोग्राम लागू हो, जिससे कि बच्चों को अलग सीखने को मिले। उन्होंने कहा, यह प्रोग्राम हिंदी में चल रहा है तथा जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से जिले के सभी परिषदीय विद्यालय के बच्चों को इस प्रोग्राम का लाभ मिलेगा। वहीं इस संबंध में जिला समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल ने बताया कि यह प्रोग्राम जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 20 विद्यालय में चल रहा है तथा जल्द ही परिषदीय विद्यालय में भी यह प्रोग्राम चलेगा, जिससे यहाँ के बच्चों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IIT गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन, जिला समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल ने कहा, वहाँ पर पिछले एक महीने से प्रोग्राम चल रहा है, हर हफ्ते में 2 बार ऑनलाइन क्लास होती है। हमने सोचा था पता नहीं कौन वहाँ पर आएगा, और जो बच्चियों की रुचि वहाँ पर देखी वो काबिले तारीफ थी। कोई सामान नहीं पहुँचा, बच्चियों ने खुद निकालकर हजारों खिलौने बनाए। ये 2 का पहाड़ा है, और इसके लिए कोई साधारण सा, ये 2 का पहाड़ा है। इसमें एक गत्ते के ऊपर 1 से लेकर 100 तक अंक लिख दिए, 1 को 2 से जोड़ा, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से, 5 से 10 से, ये 2 का पहाड़ा, बच्चे 2 का पहाड़ा इस तरह पढ़ के समझ सकते हैं और आगे की कक्षाओं में इसके पीछे के सिद्धांत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये 3 तक क्यों रुके, ये 4 का पहाड़ा है, और 4 तक क्यों रुकेंगे, अब इस तरह से आप पैटर्न देख सकते हैं। इसमें 1 ये दिल की शेप है, इसमें 2 ये किडनी की शेप बन गई, 2 गुर्दे जो हमारे होते हैं, ये 2 इधर नोड्स आ गए, इसमें 3 आ गए हैं, आगे चलकर अपने आप सोच सकते हैं। इसमें सिर्फ अंक जोड़ दिए तो ये गोला बन जाता है, जितने बड़े बड़े अंक जोड़ेंगे उतना छोटा गोला होगा, छोटे अंक जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। साधारण कागज और धागे से जोड़कर इसके अंदर एक हमने साइकिल की स्पोक लगाई, ऊपर 2 चुंबक लगाई, और जब इसको घुमाते हैं तो ये चरखा कपड़े की जगह बत्ती बुनता है। अब कल्पना करिए, हमारे बच्चे जब अपने स्कूल में ये चीज़ें बनाकर बत्ती जलाएंगे तो दिमाग की बत्ती तो जलेगी, गाँव और शहर की बत्ती भी जलनी होनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ों से शिक्षकों की रुचि बढ़नी पड़ेगी, तब जाकर जो सबसे ज़रूरी जो मुद्दा है वो शिक्षकों की रुचि है, ऐसा मुझे लगता है। और हम शिक्षकों की रुचि के लिए ये काम कर रहे हैं। थोड़े से उम्र मिली है, 50 साल, हमारी बात तो सुन ली, नहीं मैं सहमत हूँ, हमारे बच्चे अपनी क्लासों में खुद बनाएंगे तब मुझे लगता है मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। और ये बनाने के लिए क्या लगा, साधारण सी लकड़ी, सिर्फ ये रबर बैंड है, इस तरह की चीज़ों से हमने अपनी लैब में भारत में ये सब चीज़ें बनी हैं। ये पूरा इजाद जो हुआ है, जब काम हुआ है, रबर बैंड से कोई गोंद नहीं लगाया, और बच्चा 1 घंटे में, हर बच्ची ये 1 घंटे में ये जनरेटर खुद बना सकती है। तो काली होती है, अगर थोड़े से ध्यान से यहाँ पर देखें, अंधेरा होता है तो बहुत सुंदर दिखती, लेकिन ये रंग बिरंगी परछाइयाँ हैं, ये मेरे हाथ की परछाइयाँ, 8 तरह की परछाइयाँ हैं,
तीन रंग हैं लेकिन आठ यहाँ पर आपको रंग दिखाई देंगे, वो रंग दिखेंगे जो इस बत्ती में है नहीं, इसमें सिर्फ तीन रंग हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पीला भी दिखाई देगा, पिंक भी दिखाई देगा जो कि है नहीं, और एक सायन बोलते हैं। तो ये देखिए आपको पीला दिखाई देगा, पीला हरा लाल और काला, और ये जब तीनों जल जाते हैं तो सफ़ेद हो जाता है, तीनों रंग मिलकर सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई व्यवधान आता है। अब सवाल ये उठता है, इस तरह के सवाल पूछने बहुत ज़रूरी है। देखा है समझे, इसको क्या बोला जाता है, क्या लगता है? अब कोई पूछे इसको A4 क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? A5 बोल देते यार, A3 बोल देते, 0 बोल देते, 1 बोल देते, 100 बोल देते, कुछ नहीं बोलते, A4 बोलते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमें शिक्षा में, और वही NEP भी यही बात कर रही है कि हमें ऑब्जर्व करना आना पड़ेगा, जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, वातावरण में हो रही है, उसके पीछे इतना सुंदर रोचक गणित और विज्ञान है, उसके ऊपर हमको ये बताया जाता है कि सूरज हमेशा पूरब में निकल के पश्चिम में छुपता है, ऐसा है? कभी किसी ने देखा? उसे नहीं निकलता, कभी भी पश्चिम में नहीं छुपता, सिर्फ दो दिन होते हैं, बाकी हर दिन पेड़ में सुबह उठिए 6 बजे आप देखेंगे सूरज हमेशा थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, 23 डिग्री तक हिल जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उधर उत्तर की दिशा में चला जाएगा। एग्जैक्ट पूरब में साल में सिर्फ दो ही दिन निकलता है और दो ही दिन छुपता है। जब तक हमारे बच्चे ये चीज़ें आसपास की गणित और विज्ञान की चीज़ें देखेंगे नहीं और ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है शिक्षा का बहुत बड़ा जस तक पहुंचाने का ये हमने प्रोग्राम चालू करा था पिछले साल 30-30 STEM, जिसको भारत के 1 करोड़ लोगों ने देखा, पहली बार हिंदी में ये काम हुआ, अन्यथा हमेशा भाषा को लेकर आधी जनसंख्या को हम छोड़ देते हैं, अंग्रेजी में घट पटाएंगे, आधे बच्चों को समझ नहीं आती, टीचर्स छोड़ के बैठ जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि IIT जो कि भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, मेरी पढ़ाई भी वहीं पर हुई, IIT कानपुर में, स्टैनफोर्ड में, मैं अमेरिका में नौकरी करता था, और उसके बाद अभी ले चलेंगे यार, ये बताएंगे अभी हमारा प्रोग्राम क्या है। अभी कस्तूरबा एक टूटी हुई बोतल है, एक पाइप है, स्ट्रॉ है, और एक गुब्बारा है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत चुंबक नहीं है, कॉयल नहीं है, LED नहीं है, हमने जो सुबह इडली खाई उससे चुंबक को धक्का मिला, उस धक्के को बिजली में बदल दिया, और इडली में ऊर्जा सूरज से आई, तो ये सोलर जनरेटर है, ऐसा भी कह सकते हैं। लुढ़क जाता है, इसको घुमा दें, अरे वाह, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, बच्चे एकदम घूम, 1000 इस तरह की चीज़ें बना तरीके से, इसको ऐसे रखा तो ऐसे घूमता है, और इसको अगर ऐसे कर दें तो उल्टा घूमेगा। ये विज्ञान का सिद्धांत है, मशीन इसी प्रक्रिया पर, JCB, जैक, जो अपन शटर उठाते हैं, सब इसी सिद्धांत, जितना आपका यहाँ बड़ा होगा उतना आपको दम ज्यादा लगाना है, 16 गुना ज्यादा दम लगाएंगे, तो हम एक उंगली से रोकेंगे, आप दवाई कितना ही दवाई है, उसके फोकस ग्रुप में हम हैं। अब ये हम एक से लेकर आपको बोले कि भाई ये पहले एक मिनट आप भी तो सुन रहे हो, नहीं नहीं आप, हम भटक जाते हैं, भटक नहीं, ये ए को अगर ढूंढे पहले ए लगा दिया, अब बी को ढूंढे तो बहुत समय लग जाएगा, इतना समय नहीं है, आजकल का ज़माना बड़ा फास्ट है, तो हमने क्या करा, एक डंडी ले ली और इस डंडी को इस छेद में डाल दिया, ये उनको आगे रख दिया, और ये पहले फिर दूसरे वाले में डाला, इसको बाहर निकाल दिया, 5 छेद हैं, 2 में कर दिया, तीसरे में कर दिया, चौथे में कर देंगे, और फिर 5वें में कर देंगे, ये लास्ट वाले में डाल दिया, और अब देखिए क्या होता है। हो जाएगा, जन्म ही नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि विवाह हो गया और जन्म नहीं हुआ, क्या करें, उल्टे सीधे पत्ते लगे हैं, आपको क्या करना होगा, ये उठाएंगे, ये क्या है वो, इधर से डालेंगे, जो पत्ते आएंगे उनको उठाकर आगे लगा देंगे,
और ऐसे अगर आप 6 बार करेंगे आपकी संक्षिप्त रामायण। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं IIT गांधीनगर में प्रोफेसर हूँ और वहाँ पर एक हम लैब चलाते हैं, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आजकल की पाठ्यक्रम में जो हाथों से काम नहीं होता है, सिर्फ हम रट के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट बनाए जाएँ, कुछ ऐसे खिलौने बनाए जाएँ, कुछ ऐसे मॉडल्स जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हों, जिसमें साधारण सामान लगे, जिसमें खर्चा ना हो, लेकिन उनको बनाकर, उनको देखकर, उनको समझकर हमारे जो पाठ्यक्रम में रुचि हो, कक्षाएँ जीवंत हों और आँखों की चमक जो खो गई है वो वापस लौट आए। इसके साथ हम चाह रहे हैं कि टीचर्स के साथ मिलकर जब ये काम करें, टीचर्स के साथ मिलकर जब ये प्रोग्राम हर क्लास में हर बच्चे खुद करेंगे, तब हमें लगता है कि हमारे जो भी हमारे बड़े बड़े उद्देश्य हैं, मेक इन इंडिया, हमारे बच्चे जब पाठ्यक्रम में रुचि लेंगे, उससे सीखेंगे, तब तब हमारी कक्षाओं में और तब हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आएगा, उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम कस्तूरबा 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हैं UP के, उसमें ये प्रोग्राम चालू कराया। आशा है कि अभी तो 70,000 बच्चियाँ जुड़ रही हैं इस प्रोग्राम में और हमें आशा है कि इसी तरह से अगर चला तो UP के बाकी स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम, और बहुत ही कम शुल्क से ये प्रोग्राम पहुंच जाता है। IIT गांधीनगर में अकेला ही ऐसी IIT है जहां पर इस तरह की लैब है, हज़ारों ऐसे खिलौने बनाए हैं। गर्मियों में जब हमने ये प्रोग्राम 30-30 स्टेम चालू करा था तो हमारे 5 लाख टीचर्स जुड़े, 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1 करोड़ लोगों ने वो प्रोग्राम देखा, क्योंकि हिंदी में आसपास की गणित और विज्ञान को पाठ्यक्रम से जोड़कर उसमें जिंदगी का तड़का लगाया। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अगर वो ये है तो यही है कि टीचर्स इसमें जुड़े, क्योंकि एक टीचर 100 लोगों को प्रभावित कर सकता है, एक टीचर 100 बच्चों को प्रेरित कर सकता है, तो टीचर्स के साथ जुड़कर ही ये प्रोग्राम चलता है। हमारे IIT में टीचर्स आते हैं, 50,000 टीचर्स आकर अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितना रिस्पांस मिला बच्चों का? 70,000 बच्चियां हर हफ्ते 2 बार जुड़ती हैं। क्लास कितने बजे? 4 से 5 होती है, 4 से 5 बोलते हैं पर 5:30 तक चलती है, और ये यूपी की है। दूसरी क्लास जो चल रही है वो स्पार्कल, उसमें करीब 2 लाख बच्चे देश भर से जुड़ते हैं। विवेक जायसवाल, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा गोरखपुर। आप मनीष जैन सर हैं, प्रोफेसर हैं IIT गांधीनगर में। आपका क्यूरियासिटी प्रोग्राम है जिसके तहत अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संचालित है। जनपद गोरखपुर में 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं। यहाँ मार्च से ये ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, हफ्ते में 2 क्लासेज होती हैं। लड़कियाँ बहुत रुचि ले रही हैं क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है, साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को खेल खेल के माध्यम से समझाया है और बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में इसको हम लोग सभी परिषदीय 2500 विद्यालयों में आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। अभी आज जिलाधिकारी महोदय निर्देश देंगे, उसके क्रम में हम लोग इसे अपने परिषदीय विद्यालयों में संचालित कराएंगे। इसका लिंक आपके द्वारा प्रेषित किया गया है, उसी लिंक के माध्यम से बच्चे जुड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सालय के चिकित्सक एवं कर्मचारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य। आज बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, इसे संरक्षित रखकर ही हम स्वयं को एवं पृथ्वी को सुरक्षित एवं स्वस्थ बना सकते हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1947 में की गई थी और 1950 से स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है, जिससे कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इस अवसर पर डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर पूनम पांडे, डॉक्टर सीविका अस्थाना, विवेक सिंह, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल, उमा राय सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक NK श्रीवास्तव एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा। Thank you.
कि पानी ऊपर से जा रही है, सरासर भीग जाता है। इसके बीच में आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस आज मनाया जाता है और आज के दिन की जो हमारी थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इसी पे हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें आम जनमानस भी था, हमारे स्टाफ के भी लोग थे, जिसमें सभी को ये बताया गया कि हम लोग कैसे स्वयं की, अपने पारिवारिक सदस्यों की, पड़ोस की और समाज के लोगों के स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखा जाए, बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए, इसी के बारे में चर्चा हुई है कि अपने घर, पड़ोस, मोहल्ले और शहर को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पौधारोपण करें और घर के आसपास कहीं पे पानी नहीं इकट्ठा दें, होने दें, नालियों की साफ सफाई दुरुस्त रखें जिससे मच्छर या कोई अन्य इस तरह के वेक्टर न पनपें और उनसे होने वाली बीमारियों से हमारा बचाव हो सके। साथ ही साथ खान पान और रहन सहन में बदलाव, योगा की महत्व पर भी चर्चा हुई जिससे कि सामान्य व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखे और बीमारियों से अपने आप को बचा के रखे। देखिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस था और ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1949 में की गई थी और 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा और प्रत्येक वर्ष जो है इसकी एक थीम दी जाती है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है और जिससे कि लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें। और ये जो है अब इस वर्ष जो है हम लोगों ने जो दिया था थीम दी थी आवर प्लैनेट इज आवर हेल्थ करके दिया था कि हम, और इसमें उन्होंने पर्यावरण, जलवायु, व्यक्तिगत स्वच्छता और साथ ही साथ जो है व्यक्ति के जो है उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ की तमाम चीज़ों के लिए बारे में लोगों को जागृत करने का निर्देश था। उसी के तहत जो है हमारे 266 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर सभी जगहों पर हमारी CHOs ने कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे जो भी गांव के लोग थे सब लोग सम्मिलित हुए और वहां पर जो है NCD की स्क्रीनिंग की गई और लोगों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में चेताया गया। मौसम में तेज धूप हो रही है, बचाव के लिए लोग तो ये मौसम लगातार बदलता जा रहा है, बदलते लोग और बदलता मौसम हमेशा खतरनाक होता है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर वातावरण का तापमान 1 डिग्री बढ़ता है तो लगभग 8% डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं उस समाज में। तो इस वक्त जैसे सबसे ज़्यादा प्रमुख बीमारी जो होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है जिसमें उल्टी टट्टी पेट में दर्द होता है। दूसरा जो होता है ज़्यादा देर धूप में रहने पर हीट स्ट्रोक होता है जिसमें व्यक्ति का जो है थर्मल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, व्यक्ति को जो है हाथ पैर में अकड़न आती है, बहुत तेज़ बुखार आता है, बाद में झटके आते हैं और अगर उचित समय पर उपचार नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां होती हैं जैसे शरीर में पानी की कमी जिसको आप लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, इसके अलावा जो है स्किन में ड्राई स्किन होती है और ड्राई स्किन होती है, सन बर्न की शिकायत हो जाती है धूप में ज़्यादा देर रहने से और धूप में इस तरह का तेज़ धूप में ज़्यादा देर काम करने वालों को स्किन कैंसर भी होने की संभावना होती है। इसी तरह से आँख का पानी कम हो जाता है तो आँख में लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो ड्राई आई होती है, कंजंक्टिवाइटिस और इचिंग होती है। इसका बचने का उपाय यही है कि सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रातः 11 बजे तक अपने सारे कार्य कर लें और 11 बजे से 4 बजे तक की प्रचंड धूप होती है और 11 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलिए, मोटे वस्त्र पहनिए, पूरी बांह के कपड़े पहनिए, अपने सर को ढक करके रखिए, तौलिया, गमछा, टोपी, रुमाल
या छाता से रखिए और अपने साथ अपना स्वच्छ जल अवश्य रखिए। बाहर का पानी दूषित होता है, खास करके सड़क के किनारे बिकने वाले पना, पानी के टैंकरों में जो पानी होता है या पानी के घड़ों में या पानी की मशीनें जो होती हैं। अगर आपको पानी पीना ही पड़ता है तो जो जगह जगह पर जो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह पर इंडिया मार का हैंड पंप लगे होते हैं उनका पानी पीजिए या किसी प्रमाणिक व्यवसायिक संस्थान का पानी पीजिए। सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल, मिठाइयों की दुकान पर जो खोए की मिठाइयाँ होती हैं उनका मत कीजिए, ताज़े खाने का प्रयोग कीजिए और शुद्ध जल होना चाहिए। घर में भी अगर आपका पानी शुद्ध नहीं है तो उसको जो है आप क्लोरीन टैबलेट से लेकर के उसे प्योरीफाई करके तब उसका पानी पीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ORS का घोल लेना चाहिए। ORS का घोल जो है अगर आपको किसी राजकीय चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो चीनी नींबू नमक का शरबत मिला लीजिए तो इससे जो है आपको आपका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहेगा और आप इन समस्याओं से निजात पाएंगे। जनपद में NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा कोर की टीम के माध्यम से आपदा को रोकने के लिए आपदा मित्र को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, आपदा प्रबंधन योजना के तहत आपदा मित्र जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र की आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद के 70 से 75 गाँव के लोगों को आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी तथा वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि घरेलू संसाधन से इस तरह से बचा जा सकता है। ट्रेनिंग द्वारा बताया जाएगा, इस योजना में आपदा साथी भी कार्य करेंगी तथा बंधा रोड मैपिंग जो गांव बाढ़ क्षेत्र हैं वहां पर बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आपदा मित्र और आपदा सखी हमारे स्वयं सेवक हैं। गोरखपुर में हम लोगों ने NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा जो कॉम्पिटेंट एक टीम है उसके माध्यम से हम लोगों ने आपदा मित्र को प्रशिक्षित किया है गोरखपुर में। ये बेसिकली जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्वयं सेवक है, क्योंकि इन्हें हम किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि ये स्वेच्छा से हम लोगों के साथ आपदा के दौरान कार्य करते हैं और आपदा से पूर्व लोगों को जागरूक करने में भी हमारी मदद हैं। आपदा मित्र के साथ हम लोग इस बार एक जो जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र की आपदा प्रबंधन योजना हम लोग बनवाने जा रहे हैं। एक पूरी तरीके एक योजना का प्रारूप बेसिकली कम्युनिकेशन प्लान के रूप में है ताकि हम लोग एक बेहतर कम्युनिकेशन प्लान ग्रास रूट लेवल तक कर सके और इसके लिए आपदा मित्रों को एक निर्धारित प्रारूप एक फॉर्मेट हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपदा मित्रों ने इसमें सहर्ष प्रतिभाग किया है और वे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ ही कुछ आपदा सखियों ने भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन देने की बात कही है तो ये एक अच्छा ये रहेगा जिसमें हम लोग तकरीबन गोरखपुर के 70 से 75 ग्रामों की आपदा प्रबंधन योजना बनाएंगे और वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे घरेलू संसाधन से किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके संबंध में भी ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे आपदा मित्र हमारे और आपदा सखियाँ इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। तो इस तरीके से पूरा एक जो आपदा मित्र और आपदा सखी हैं वो इस पूरे कार्य को पूर्ण कराने में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर का सहयोग कर रहे हैं। सर कितने गांव चिन्हित किए गए हैं? देखिए अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 75 गांव को लिया था कि 75 गांव की योजना हम लोग बना सकें, वहां का कम्युनिकेशन प्लान बना सकें, तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 75 विलेजेस को सेलेक्ट कर लिया है और इस सभी जो विलेजेस हैं उन सभी का जो हमारा जो वहां का सोशल मैपिंग है, फ्लड मैपिंग है, रिसोर्स मैपिंग है और जो हमारा अल्टरनेट रोड मैपिंग है वो सारा चीज़ें भी उसके साथ हम लोग पूरा करेंगे ताकि लोगों को मतलब जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर साही की अध्यक्षता में नौकायन से साइकिल रैली निकाली गई, जिसके संबंध में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर साही ने बताया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन WHO का गठन हुआ था, जिसको देखते हुए साइकिल रैली निकाली गई है तथा इस साल का थीम है कि अपने पर्यावरण को हरा भरा रखेंगे और यह लोगों को
यह संदेश दिया जा रहा है कि लोग साइकिल चलाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग कार से टहलने आते हैं जो कि गलत है, इसलिए पर्यावरण को संतुलित व स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए साइकिल जरूर चलाएं। इस अवसर पर डॉक्टर वी एन अग्रवाल, डॉक्टर वाई सिंह, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर अजय शुक्ला, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही ने कहा, अरे भैया आप मोबाइल वाले पीछे आ गए। देखिए, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। आज इस साल का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, यानी हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा और स्वस्थ रखेंगे। जिसके तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सक आज साइकिल रैली निकाले हैं, ये बताने के लिए कि आप लोग साइकिल से चलें, प्रदूषण कम फैलेगा। अक्सर देखा कि आज लोग कार से टहलने आते हैं, थोड़ा सा टहलते फिर कार से चले जाते हैं, तो उनका टहलना समाज के लिए बड़ा खतरनाक होता है, प्रदूषण फैलाते हैं। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर शहर के इतने बड़े बड़े डॉक्टर अगर साइकिल से आ सकते हैं, तो भी घर से साइकिल से टहलने आएँ। साइकिल से टहलने से घुटने मजबूत होते हैं, कमर खटियाँ मजबूत होती हैं और आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। ढेर सारी बीमारियाँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, ये सब खत्म होता है। ये मैसेज देने की साइकिल यात्रा निकाली गई है। हम लोग यहाँ से साइकिल यात्रा चलते हुए आईएमए भवन पहुँचेंगे, वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, ये दिखाने के लिए कि पृथ्वी को हरा भरना करने में ही हम लोग का जीवन है। हम तभी जीवित रह सकते हैं जब पृथ्वी के सौंदर्य को, पृथ्वी के श्रृंगार को, जिसको पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है, वो हरा भरा करके रखें। उसके बाद हम लोग का एक योगा का कार्यक्रम होगा, योगासन किया जाएगा। इसे ये मैसेज दिया जाएगा कि योगा हमारे पुरातन काल से चलता आया है, सनातन काल से चलता आया है, और आज भी इसकी तुलना आधुनिक साइंस नहीं पकड़ पाया है। इसलिए साइकिल यात्रा, योगा और वृक्षारोपण, तीन कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। जनपद में प्रतिदिन मौसम अपना रुख बदल रहा है तथा तपती हुई धूप उमस से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा सूचना मिला है कि लगातार तापमान बढ़ रहा है। अभी अगले 5 दिनों तक गर्म तेज हवाएं चलेंगी, इसके साथ साथ तापमान भी गर्म रहेगा। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि बहुत आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकलें तथा फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और ढीले और मोटे कपड़े पहनें, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, तथा जब भी घर से बाहर निकलें, छाता, टोपी तथा गमछे का इस्तेमाल करें, जिससे धूप की किरण से बच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी लगातार तापमान बढ़ रहा है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है, तो अगले 5 दिनों तक तेज हवाएं, जो लू की हवाएं हैं वो रहेगी, ताप हवाएं चलेंगी, तो इसलिए अभी आगामी चार पाँच दिनों तक लू का प्रकोप बन सकता है। तो इस तरीके से अभी मौसम थोड़ा गर्म रहेगा। लोगों को बचाव के लिए क्या करना? देखिए, सभी से मेरा आग्रह यही है कि यथासंभव बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो समुचित व्यवस्थाओं के साथ बाहर निकलें। पेयजल जो है, मतलब जो मौसमी फल हैं, तरबूज वगैरह इत्यादि, उसका सेवन करें और ढीले और कपड़े पहने और अपने आप को सुरक्षित रखें। और जब भी घरों से बाहर निकलें तो छाता इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सन रेज उनके ऊपर ना पड़े। और बच्चों को भी समय थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तेज धूप में वो लोग भी बच्चों को पार्क इत्यादि में ना छोड़ें। इस तरीके से अगर हम समुचित व्यवस्थाएं करेंगे तो जो ये गर्म हवाएं हैं, इससे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा। मंदिर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रखी जा रही है निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, मतदान व मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था कर रहेगा पुख्ता इंतजाम। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर पार्किंग की समस्या पर हुई चर्चा। मरीजों के वाहनों की जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करवाने के दिए गए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के बीडीओ दुर्योधन का किया स्थानांतरण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने गोलघर काली मंदिर से शास्त्री चौक तक चलाया अतिक्रमण रोधी अभियान। जिलाधिकारी ने कहा, 41,500 रुपए का चालान काटकर सामानों को जब्त कर स्टोर में करवाया गया जमा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव को देखते हुए 7 अप्रैल की शाम से 9 अप्रैल मतदान की समाप्ति तक व 12 अप्रैल मतगणना वाले दिन को सभी प्रकार की शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता कर सभी से समर्थन देने का किया अनुरोध। जिला खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन के निर्देश पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 1105 छात्र व छात्राओं में तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क स्मार्टफोन का किया गया वितरण। छात्रों ने प्रदेश सरकार को दिया धन्यवाद। से 20 अप्रैल तक चलने वाले भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत चलाया गया स्वच्छता अभियान। वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों को वितरित किया गया फल। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दी जानकारी। जिला महिला अस्पताल में अब मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए बनाया गया इंद्रधनुषी रंगीन डायरेक्शन, ताकि मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा दर दर। जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश के 720 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन के द्वारा लैब क्रिएटिव के माध्यम से दिया जा रहा है ऑनलाइन प्रशिक्षण। प्रदेश के 70,000 छात्र ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं प्रशिक्षण। जल्द ही जिले के परिषदीय विद्यालय के बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। जिला समन्वयक अधिकारी ने दी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में गोष्ठी का किया गया आयोजन। स्वयं एवं पृथ्वी को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाने का लिया गया संकल्प। जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन योजना के तहत 70 से 75 गांव के लोगों को आपदा मित्र बनाकर किया जा रहा है प्रशिक्षित। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही की अध्यक्षता में डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नौकायन से निकाली साइकिल रैली, दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश। और मौसम ने बदला रुख, तपती धूप और उमस से परेशान हैं लोग। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, आवश्यकता अनुसार ही निकले घरों से बाहर। छाता टोपी तथा गमछे का करें इस्तेमाल, ताकि बच सके तेज धूप से। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।